मतलब जो कहा जाता था कि मूवी में दिखाते थे कि प्यार हुआ, लड़े झगड़े, शादी हो गई, उसके बाद मूवी खत्म, लेकिन क्वेश्चन होता था कि उसके बाद का क्यों नहीं दिखाते, उसके बाद का ये मूवी, उसके बाद का ये देख लो, है पता लग जाएगी। अभी बता, पहली बार सिनेमा हॉल का एक्सपीरियंस था, इधर आके बता कैसा लगा तेरे? तो दोस्तों नमस्कार, आज के ब्लॉग में स्वागत है। और आज हम कहाँ आए हैं बताएगा ये प्रिंस, बताएगा। और ये हमारे साले साहब, हमारे मतलब उमेश के साले साहब है, हमारे भी हुए। क्यों भैया नाम नहीं पूछा यार आपका मैंने? संत कुमार है मेरा नाम। संत कुमार? हाँ हाँ। राजू वो वाला राजू, अक्षय कुमार वाला, चाहे जो आप बना। बता प्रिंस कहाँ आए? आज हम आए नेहरू प्लेस। किस लिए? मूवी देखने। अच्छा, कौन सी? जुग जुग जियो। जुग जुग जियो, हाँ अभी वही चल रही है ना मार्केट में। तो यहाँ पे कुछ खरीदना है सामान वगैरह? नहीं नहीं। फुकरे देखिए, फुकरे देखा, ये वाला यहाँ का शॉट लिया फुकरे में, जो ये इधर नीचे है। अभी देखते हैं पास से जाके, जो उसमें लास्ट में उसको उसके पीछे गाड़ी भागती है और वो नेहरू प्लेस में भाग रहा होता है, और फिर उसके बाद पार्किंग में घुस जाता है, फिर गाड़ियां छेक लेती है उसे, ये वाला तो सर्कल है। तो ये वाला है फुकरे वाला जो शॉट हुआ था। हाँ ये पूरा नेहरू प्लेस है। और वो देखिए शुभ मंगल सावधान, उसकी भी यहीं पे जॉब लगती है, आयुष्मान खुराना की। यहाँ पे? हाँ हाँ, जो उसको भालू आलू सब काटने लगता है स्टार्टिंग में। हाँ हाँ। वो यहीं तो चल रहा होता है, मतलब इन बिल्डिंगों में कहीं पर। तो टिकट मिल गई है? हाँ। ऑनलाइन कर रहे थे, 198 रुपए सर्विस चार्ज लगा रहा था टिकट फेयर के अलावा, तो ये ठीक किया ना यहाँ पर लेकर के। चलो मास्क वास पहन लो। तो जब कोई स्पेशल लोग आते हैं तो इधर ही लाते हैं। क्यों ठीक है? कुछ बोलेगा कुछ भी? काफी अच्छा लग रहा है। हाँ अरे अभी देखना, अभी ऊपर चलो, फोटो वाला सेक्शन तो ऊपर ही होगा। बाकी देख लाइटिंग वाइटिंग भी बाहर से तो अच्छी हो गई यहाँ पे आके। कुछ बोलोगे भैया? अब मास्क उतार दिया, एंट्री पे लगता है वहाँ। वैसे अंदर नहीं है, फोटो वोटो खाएंगे? हाँ फोटो खिंचवा लो। अरे लोग कहेंगे हमारी फोटो। तो 10 मिनट अभी रहते हैं। देख यहाँ सही नहीं आ रही लाइट। सही आ रही है तो हमारे कैमरे में क्या दिक्कत है भाई? स्क्रीन सही है? छोटी हो तो दूसरे में चले। नहीं सही है। काफी बड़ा है भाई साहब, काफी बड़ा है, मतलब आया हूँ। चलिए बैठते हैं। आ जाओ भैया राजू, आ जाओ, चले बैठे। ट्रेलर चालू हो गया, आ जाओ। चलो दोस्तों शुरू होने वाली है। कैसे बैठे हम बीच में? चलो चलो, आराम आया? आया आया, बहुत आया। गर्मी बहुत है ना बाहर? बाहर है, यहाँ गर्मी नहीं है। यहाँ नहीं है? नहीं। आप तो देखे होंगे एक आध बार। और तो खाली साहब आए हुए हैं। अरे यार ये, अरे बढ़िया। इसमें ऐसा भी है दोस्तों, अभी मैं पिछले मूवी देखने गया था, उसमें ऐसे नहीं होता था, ऐसे नहीं होता था, पूरा वसूल लेंगे। क्यों? तो इंटरवल हो गया है, कैसी लगी? एक एक करके बताओ। अच्छी लगी। अच्छी लगी तुमको? अच्छी लगी, ज्यादा खास नहीं। मतलब जो कहा जाता था कि मूवी में दिखाते थे कि प्यार हुआ, लड़े झगड़े, शादी हो गई, उसके बाद मूवी खत्म, लेकिन क्वेश्चन होता था कि उसके बाद का क्यों नहीं दिखाते, उसके बाद का ये मूवी, उसके बाद का ये देख लो, है पता लग जाएगी। मतलब हंसी मजाक तो है थोड़ा सा। हाँ। है? चलिए हाँ, चलते हैं अंदर। चलो बाकी जो मुझे अच्छा लगा वो बोल दूं। जो इसमें सिस्टर बनी है वरुण धवन की, वो यूट्यूबर है ना? हाँ। और सोचो यूट्यूब, जितना मुझे पता है यूट्यूब से यहाँ तक पहुँचना बड़ी बात है। क्यों? बहुत।
पुल करना है। इस बार दिखा देते, हाँ एक खोलो दूसरा मिलेगा, दूसरे के बाद आ जाएंगे। हैं कुकू, हाँ कुकू, करेक्टर का नाम कुकू है जैसे कुत्ते का नाम हो। वापसी सब लोग, बीच में थोड़ा सा लग रहा था ना बोरिंग, ये भी भैया मैं ये कह रहा था बीच में ऐसा नहीं लग रहा था कि थोड़ा सा बोर कर रही है, लेकिन रह रहे के थोड़ा सा सही लग रहा है ना। हाँ, अच्छा लग रहा था बीच बीच में हो जाए। कॉन्सेप्ट भी बहुत अजीब सा है, शादी के बाद डायरेक्ट डिवोर्स उसका आ गया। हाँ ऐसा ही कुछ, देखते हैं फिर फाइनल रिव्यू देंगे मूवी में है, क्योंकि अभी इंटरवल बाकी है। कहीं दिमाग ना खराब कर दे लास्ट में, इतना फंसा तो दिया, खिचड़ी पका दी, उसके बाद अगर सही से नहीं परोस पाए लास्ट में तो मामला गड़बड़ा जाएगा। क्यों और चलो नहीं चाहिए, परोसने वाला ठीक होना चाहिए। अगर क्लाइमेक्स में सही से नहीं परोसा तब तब बताएंगे, अगर चटनी ज्यादा या फिर अचार वगैरह नहीं दिया गया तो फिर क्या फायदा। खैर बात करते हैं, एक्शन क्या देखेगा भाई, धर्मा प्रोडक्शन की मूवी है, चटनी अचार बराबर मिलना चाहिए। हाँ कहीं कोई गड़बड़ी नहीं, क्लाइमेक्स में अगर ऐसी तेजी कराई और फालतू का कुछ भी कहीं भी मिला दिया फिर दिक्कत हो जाएगी। खिचड़ी तो पक गई है भाई साहब, बताते हैं फिर है इंटरवल के बाद, बताते हैं फिर आगे। इंटरवल कह रहा हूँ, क्लाइमेक्स के बाद फिर बताएंगे क्या होता आगे। चलो ठीक है, कैसी लगी? सही थी पिक्चर, ज्यादा अच्छी भी नहीं थी। कैसी लगी भाई, लोगों बताओ? सही पिक्चर थी, सही थी, तब और क्या। लास्ट में किस चीज के लिए आए वो तो हुआ नहीं, काम था उल्टी सीधी हरकतें करके चले गए हैं। चलो ठीक था, क्यों पूरा परिवार नशेड़ी था। आओ आओ अब बताओ कैसी लगी मूवी यार? ठीक लगी मूवी, अच्छी सब नशेड़ी। जो खिचड़ी पकाई थी साफ हो गई बाद में। साफ तो हुई है लेकिन थोड़ा सा नमक उमक तेज हो गया, ऐसा लगा कि जो खिचड़ी बनी है उसको फेंक दिया जाए। आओ आगे चलते ही रहते हैं। तो नेहरू मैं अपना बताऊं तो मुझे ऐसा लगा नया कॉन्सेप्ट था और एक ही वही समझ आया कि शादी के बाद क्या होता है वो देख लो, है ना। बट उसी में पूरा बेस था। हाँ क्या कुल मिला के ये है कि घर परिवार के साथ रहिए, ऐसी तैसी मत करवाओ, बस बात खत्म। क्यों बाहर मारो बस है, बाहर कहीं कहीं तुम्हें लग रहा हो कि जैसे फैमिली वाले हमें झेल रहे हैं वैसे दूसरे झेल लेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। वो सब ऐसे ही है, वो तो काम निकला बंदा भूल गया। क्यों चलो उमेश को फोन करना है फिर उनसे मिलना है, क्योंकि शाम को फिर पार्टी में जाना है और अगर नहीं जाते हैं तो फिर यहीं से खा पी के चलेंगे। है चलिए फोन करते हैं फिर, बाकी मूवी ठीक रही है। बाकी खर्चा बहुत हुआ है भाई साहब, जो सेट लगा था जो शूटिंग हुई है जहाँ की भी शूटिंग हुई है खर्चा बहुत किया। क्यों जब देखो तब शादी हो जा रही थी और उसके बाद डिवोर्स हो जा रहा था। चलो अच्छा था जो भी था, पहन लो यार, बेइज्जती कराते रहते। हाँ अभी बताओ, पहला पहली बार सिनेमा हॉल का एक्सपीरियंस था, इधर आके बता मतलब कैसा लगा तेरे को? बहुत अच्छा लगा, ज्यादा बिल्कुल लग्जरी फीलिंग आ रही थी, मतलब अच्छा भी था ना सिनेमा हॉल। अच्छा, अच्छा था। अभी हम नहीं ज्यादा मत बोलो, कैमरा घुमा देंगे तो मुंह छुपाते फिरोगे। हाँ कंटिन्यू। और बहुत ही बढ़िया फीलिंग आ रही थी, मतलब मैंने देखा था सुना था कि ऐसा ऐसा होता है, सुना था कि ऐसा ऐसा होता है पर देखा पहली बार था। सुना क्या था? सुना था कि मतलब ऐसा होता है, हॉल देखा था मूवीज में, असलियत में आज जाके देखा मैंने, मजा आ गया। मजा आया हाँ। ये समझे कौन मजा आया, क्या मजा आया? अरे मीम नहीं चलता है राहुल गांधी जी का, मजा आया। खत्म, टाटा बाय बाय, खत्म टाटा बाय बाय। तो अच्छा लगा है। तो दोस्तों तिवारी अंकल जी आपको दिखा दें ऐसे ही अच्छे में। चलो तिवारी अंकल से तो आप लोग मिल ही चुके हैं,
बाकी उमेश से नहीं मिलवा पाएंगे, कुछ हालात ठीक नहीं उनके, बाकी रखते हैं।